मैं बहरैन में था तो एक लड़का मुझसे पूछने लगा कि तकलीद करनी चाहिए। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है, चूँकि वो तकलीद नहीं करता था ना। मैंने पहले आपसे कहा कि आप अपने ज़िम्मे दलील ना लिया करें, दलील दूसरे के ज़िम्मे डाला करें, इससे बात करनी बहुत आसान हो जाती है। तो मुझे पूछता है दलील तकलीद करनी चाहिए, मैंने कहा आपका क्या ख्याल है। ये तो मैं तो कहता हूँ तकलीद नहीं करनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों नहीं करनी चाहिए, कहते इसलिए कि तकलीद कहते हैं बिला दलील बात को मानना। मैंने कहा तकलीद का माना ये जो आपने किया है बिला मुतालबा दलील बिला दलील बात को मानना, ये तारीफ तकलीद की अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में बयान फरमाई है। तो ये तकलीद की तारीफ कहाँ है। उसने अपने आलिम का नाम लेकर कहा कि फ़लाँ मौलाना ने तकलीद की ये तारीफ़ की है। मैंने कहा जब उन्होंने तकलीद की ये तारीफ़ की थी तो आपने उनसे दलील मांगी थी कि तकलीद की यही तारीफ़ है, इस पर दलील क्या है। कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा यही तो बिला दलील बात है जो आपने मान ली है, इसलिए आपको तकलीद में शक पड़ गया, क्योंकि आप बिला दलील बातों को मानते हैं तो आप समझते हैं तकलीद नहीं करनी चाहिए, और हम बात दलील बात को बिला मुतालबा दलील मानते हैं, तो हम इसलिए तकलीद के कायल हो जाते हैं। तो मैंने कहा आप तकलीद का इनकार भी करते हैं और जो तकलीद की तारीफ करते हैं उसके मुताबिक आप तकलीद भी करते हैं, तो हम तो तकलीद का इनकार नहीं करते, तकलीद की बात कहते हैं। तो बिला मुतालबा दलील ये और चीज़ होती है।